नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जिस तरीके से चित्रकूट जेल में मामला हुआ है उसके बाद से पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है और लोग जेल को लेकर काफी ज्यादा सवाल भी उठा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि ऐसी घटना अगर योगी सरकार में या फिर किसी भी सरकार में होती रहती है तो ये संवेदनशील है और इस पर कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर आवाज़ उठानी चाहिए। बात करें तो चित्रकूट जिला जेल रगौली में जिस तरीके से 3 अपराधियों को मार गिराया गया, यानी कि चित्रकूट जेल में जिस तरीके का गैंगवॉर हुआ है उसके बाद से लगातार पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि यही योगी का कानून है, यही योगी का प्रशासन है जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। और इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि जेल में अगर इस प्रकार का गैंगवॉर होता है तो लोगों के जहन में और लोगों के दिल में ये सवाल उत्पन्न होता है। बात करें तो जिस तरीके से मिराजुद्दीन और मुकीम काला को मार गिराया गया, गैंगवॉर में इन दोनों को मार गिराया गया और जो मिराजुद्दीन है उसको माना जाता है कि ये मुख्तार अंसारी का काफ़ी ज़्यादा करीबी है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, जिसको लेकर और भी ये विवाद बढ़ जाता है क्योंकि एक से लेकर एक जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी कहे जाने वाले मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में मार दिया गया, उसके बाद से जिस तरीके से मिराजुद्दीन की हत्या जेल में हुई है उसको लेकर उनके परिजनों को डर सता रहा है तो उनको जिस तरीके का ये घटना हुआ है वो कुछ याद भी दिला रहा है। बात करें तो अंशुल दीक्षित नाम का जो अपराधी था उसने इन दोनों लोगों को मार गिराया है। वहीं राइफल लेकर, पिस्टल लेकर जिस तरीके से 5 पुलिसकर्मियों को अपने अंडर में बंदी बना लिया, जिसके बाद से पुलिसकर्मी कहते रहे आत्मसमर्पण के लिए, लेकिन वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था और पुलिस को जाकर इनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन ये सारा मामला तो हो गया, सवाल ये उठता है कि आखिरकार जेल में इतनी घेराबंदी, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी अंशुल दीक्षित के पास बंदूक, राइफल, करतूस और इस प्रकार की पिस्टल जो है वो कहाँ से पहुँची। और यही सवाल जो है लोगों के जहन में पहुँच रहा है। लोगों का कहना है कि क्या योगी प्रशासन के द्वारा इस प्रकार का खेला खेला जा रहा है या इसके पीछे की कुछ और ही वजह है। बात करें तो जीना मंडल के जो आईजी हैं के सत्यनारायण और जो पुलिस अधीक्षक हैं यानी कि अंकित, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस इस जांच में लग गई है और पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार ये चीज़ें कहां से आई। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, और ऐसा ही होता रहा तो देश का जो ये जेल है वो सुरक्षित कहाँ से रहेगा। जेल में बंद अपराधियों को ही मार दिया जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो है कहीं ना कहीं हाथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि मुख्तार अंसारी का करीब में मिराजुद्दीन था, इसलिए मिराजुद्दीन को मारा गया ताकि मुख्तार अंसारी जो है वो कमज़ोर पड़ जाए। और ये जो व्यवस्था है, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जो अंशुल दीक्षित था उनको कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट था, प्रशासन का सपोर्ट था और उसको लास्ट में इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अंतिम पोल ना खुल सके। और जिस तरीके से मिराजुद्दीन का कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी से संबंध था, उसकी नज़दीकी था, उसका गुर्गा बताया जाता था, तो उसको लेकर लोग जो है जहन में चर्चा कर रहे हैं। बाकी सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार पिस्टल कैसे, क्या योगी की प्रशासन दी है, पुलिस प्रशासन की इस प्रकार की रवैया है जिसकी वजह से इस प्रकार की तमाम चीज़ें हो रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए। जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।